एम आई ऑडिबल? ओके ओके तो लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे आई थिंक, राइट? ये तीन फॉर्मूले किए थे और इन तीन फॉर्मूले पे मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है? और ये भी हमने सीखा था कि जो अभी तक हमने फॉर्मूले किए थे क्वाड्रेटिक को इन्वॉल्व करने वाले, वो ये थे कि वन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक के थे पहले तो, और एक वन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक का अंडर रूट के थे, ठीक है? सबसे पहले तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का। इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ दो क्वेश्चन कर लूं पहले। चलो हो गया। पहला वाला तो एकदम सिंपल है, टेन एक्स इक्वल टू एम तो इंटीग्रेशन डी एम अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला बन जाएगा। आप डायरेक्टली आप इंटीग्रेट इसका कर फॉर्मूला लिख सकते हो रिजल्ट।
तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एम या अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन प्लस एम प्लस सी. तो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फोर इन द क्वेश्चन, वो मैंने वन गलती से लिख दिया था फोर. देवी का समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो? ये फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं, साइन और कॉस में चेंज कर दो. तो दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स विच इज कन्वर्टेड टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी ऑफ कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा. अब नीचे वाले अंडर रूट को पूरा ना कन्वर्ट कर दो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो वन माइनस कॉस स्क्वायर में. क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है वो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन. तो कॉस एक्स को अगर मैं एम पुट करूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम. देयरफॉर माइनस बाहर करके डी एम थ्री माइनस एम स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया. इनफैक्ट ये आ गया रूट थ्री का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. फॉर्मूला लगा दो, आंसर लिख दो, एम को फाइनली कन्वर्ट करके लिख दो. कितना आएगा इसका? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का साइन इनवर्स में आता है साइन इनवर्स ऑफ एम बाय रूट थ्री प्लस सी. सो दिस इज माय साइन इनवर्स ऑफ एम इज कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट थ्री. तो भी चलेगा, तो भी चलेगा साकेत.
थर्ड स्टेप में बेटा ये एलसीएम लिया तो ये कॉस स्क्वायर टू के साथ मिलके टू कॉस स्क्वायर हो गया, ये थ्री साइन स्क्वायर हो गया, ये साइन बाय कॉस था तो ये साइन बाय कॉस हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर वाला कॉस स्क्वायर था अंडर रूट के बाहर निकल के ऊपर यहाँ चला गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया साइन अपॉन में यहाँ पे, और फाइनली ये साइन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एमटी में यार आई एम नॉट श्योर कहां तक आएगा, बट हाँ दो तीन क्वेश्चन तो मान लो अगर आया तो चैप्टर आएगा, दो क्वेश्चन तो देखिए। चलो बढ़ो आगे, एमटी का पेपर मैंने सेट किया है, मुझे पता ही नहीं एमटी कब है। इसी वीक है क्या? एमटी इस वीक होगा तो इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए बेटा, अब इतने समय इंटीग्रेशन भी दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? अच्छा एमटी इसी वीक है, ओहो मुझे लगा बाद में। हाँ डी शर्मा तो लाइन से सॉल्व करते चलो बेटा, sec x माइनस वन रूट sec x माइनस वन।
चलो तो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, इसको कर दो रूट सेक एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस वन अंडर रूट ऑफ sec एक्स प्लस वन dx, ये हो जाएगा अपने पास 10x। ये थोड़ा सा हमको दिक्कत दे सकता है भाई। साइन बाय कॉस में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये दिक्कत हमको दे देगा बेटा, इसको और कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स ठीक है। ये आ जाएगा, अब आ जाएगा बस, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन करो इसके बाद, इसके बाद तो कर लोगे बेटा, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ।
ये वाला क्वेश्चन करो इसके बाद। बोलो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, सिर्फ एक क्वेश्चन था सर। मैंने वो टैन एक्स अपॉन रूट सेक एक्स प्लस वन डी एक्स वो वाले स्टेप के बाद मैंने सिंपली एम को रूट सेक एक्स प्लस वन अज्यूम किया और फिर डिफरेंशिएट करके वो सब्स्टिट्यूट किया, तो उससे भी आंसर आ सकता है सही, राइट? यार ये देखना पड़ेगा, मतलब अगर sec x plus m को तूने यहाँ पे sec x plus 1 को m सब्स्टिट्यूट किया तो sec x tan x आ जाएगा, dx is equal to dm, तो tan x dx अपने पास आ जाएगा dm divided by sec x मतलब dm divided by m minus 1, तो ये पूरा हो जाएगा और ये root m आ सकता है, बट शायद जो चीज यूज होगी वो अभी तक करी नहीं है अपन। ओके सर, है ना, आ तो जाएगा, उधर से आ जाएगा, बट भले ही अभी नहीं कर पाओ बाद में कर। यस सर। इसको सॉल्व करो। इंटीग्रेशन बेटा शुरू में बेसिक ही आना चाहिए, जो भी आए बेसिक ही आना चाहिए जितना अभी तक किया हो।
चलो तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वन प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें लीनियर ऊपर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो जो नीचे वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास होता है टू एक्स प्लस वन, राइट। अब टू एक्स प्लस वन करने के लिए वही फंडा जो अपन पहले यूज करते थे उसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं हम लोग। मतलब ऐसा है कि न्यूमरेटर को, मतलब बोले तो वन प्लस एक्स को आप लेमडा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो, प्लस म्यू लिख दो। तो इसमें वन प्लस एक्स को अपन लिख देते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस म्यू, बोले तो ट्वाइस ऑफ लेमडा एक्स प्लस लेमडा प्लस म्यू। सो ट्वाइस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू वन, लेमडा इज इक्वल टू वन बाय टू एंड लेमडा प्लस म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वन, सो म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाय टू। तो फाइनली दिस क्वेश्चन विल कन्वर्टेड टू वन बाय टू ऑफ टू एक्स प्लस वन प्लस वन बाय टू एंड आई विल डिवाइड दिस टू इंडिविजुअल। नो आई हैव टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली, लाइक वन बाय टू बाहर, इसको तो टू एक्स प्लस वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दो, ये एक हो गया और दूसरा हो गया वन बाय टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स कर दो, दोनों का अपना अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो बेटा। सर वन प्लस एक्स को एम लेके नहीं कर सकते, फिर वो फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। वन प्लस एक्स को अगर एम में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा क्या? चलो देख लेते हैं, हो सकता है उधर से भी, देखते हैं उधर से भी। तो यहाँ से तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एम पुट कर दो काम हो जाएगा, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है डिनोमिनेटर के अंदर, फॉर्मूला लगाना है। हाँ बेटा बोलो। हेलो एक जो मेथड जी है जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। अगर वन प्लस एक्स को मैं एम पुट करूंगा तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एम आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो ऊपर एम डी एम आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा तो नीचे रूट ऑफ एम वन प्लस एक्स और एक्स की वैल्यू एम माइनस वन, ये आ जाएगा बेटा। इसको इंटीग्रेट करना, फिर बात तो वही रहेगी, ये सही प्रोसीड करना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा, मतलब फंडा वही यूज करना पड़ेगा। कौन सा ये वाला डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में? बोलो बेटा। सर एम एक्स एक्स को एम माइनस वन डाल सकते हैं, फिर एक्स स्क्वायर एम माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स को एम माइनस वन डाल सकते, राइट? यस सर। फिर एम माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस एम प्लस प्लस एम माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एम माइनस वन द होल स्क्वायर, ये बोल रही? यस सर। फिर उसको सिंपलीफाई करके एम स्क्वायर माइनस एम बचता है। हाँ एम स्क्वायर माइनस एम मैंने भी यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से लाया वही।
या फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं ना, बट ये ऊपर m भी लिखा है ना बेटा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लेगी, ऊपर m का क्या करें? अच्छा ओके सर, समझे, तो दिक्कत देगा वो। ओके सर, थैंक यू। ये काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ फंडा यही लगाना पड़ेगा जो मैंने लगाया कि नीचे के डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में न्यूमरेटर को लेके आओ, तो वही मेहनत हो जाएगी। कभी भी क्वाड्रेटिक लीनियर इन्वॉल्व है ना, कुछ इसी तरीके का मैनेजमेंट होगा बेटा। इसके आगे तो कर लोगे ना आप लोग, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√m आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 में अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, लेफ्ट हैंड साइड में भी फॉर्मूला, राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला लग जाए। हाँ बोलो बेटा। सर आपने अगर डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया तो यस, मेरा आंसर x प्लस ln x आ गया सर। एक सेकंड देखते हैं आप। डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेगी सर, यस मतलब रूट एक्स बाहर निकलेगा। रूट एक्स बाहर, एक सेकंड। एक सेकंड हैंग हो गया है। अगर x कॉमन लेगी तो तेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स रूट एक्स रूट एक्स प्लस में, फिर तेरे ऊपर वो कट जाएगा। हाँ ये कट जाएगा तो ऊपर रूट एक्स प्लस 1 बच जाएगा। यस सर, फिर वापस x को कॉमन लो सर न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में से x कॉमन लेंगे यस सर, तो बाहर रूट एक्स निकल जाएगा, बाहर रूट एक्स मिल जाएगा, ये बच जाएगा। यस सर, फिर इसको सर फिर इसको इंटीग्रेट कैसे कर? अच्छा सर, यहाँ पे दिक्कत आएगी। हाँ सर, सर नहीं चलेगा वो, क्या है कि ऐसे ही सीखोगे तुम लोग, ऐसे ही करनी पड़ेगी ये समाधा बच्चे आप लोग। यस सर, और किसी को कुछ? तो इस चैप्टर में आपको ये चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ये चीजें आएंगी आपके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो, ये प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व करोगे, नहीं होगा रुकोगे, जब ही सीखोगे भी से। बट हाँ ये क्या, ये एक स्टैंडर्ड मेथड हो जाएगी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर इसको स्टैंडर्ड और लिखना है अच्छे से, ये क्या होता है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो कि अगर अंडर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट अगर आपके पास आया तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको आपको लिखना पड़ेगा लेमडा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस ए कांस्टेंट, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल दो पार्ट में आ जाएगा, दो पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जैसे अभी अपन ने किया।
चलो आगे बढ़ता हूँ। एक पैटर्न कवर करवाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन 3x dx को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन 3x। प्रीवियस पेज देख लो भैया, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको सबसे पहले तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स 3 sin x माइनस 4 sin 3x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 4 sin 3x। अब ये पर्टिकुलर पैटर्न जो आया, ये पैटर्न कौन सा है वो मैं आपको यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले ये पैटर्न है समथिंग लाइक दिस, dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin स्क्वायर एक्स। मतलब नीचे क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है साइन में और कॉस में, जहां भी इन्वॉल्व है, या फिर कुछ इस टाइप का d ऑफ x, जैसे यहां पे साइन स्क्वायर आएगा, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, साइन स्क्वायर आएगा, या फिर dx अपॉन में साइन 2x का फंडा आ गया, मतलब 1 प्लस a प्लस बी साइन 2x, है ना, क्योंकि साइन 2x भी आपका किस में आ जाएगा, डिग्री 2 में आ जाएगा, डिग्री 2 में मतलब बोले तो 2 sin x cos x। तो या तो साइन एक्स कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है कॉन्स्टेंट के साथ, या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है। कुछ इस टाइप के पैटर्न में जब भी आप सॉल्व करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, टेक कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से। कैसे काम होगा बताता हूं मैं आपको, ये वाले में अगर आपको क्वेश्चन कोई भी मिला इस टाइप, ठीक है, अब कॉमन ले लो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो इसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, 1/(1 - 3 cos²x dx) आ गया, है ना, ये सिर्फ साइन स्क्वायर का, ये कॉस स्क्वायर का, अगर दोनों भी आपने इन्वॉल्व करवा दिए तो भी चलेगा, ठीक है, ये साइन 2x है तो भी ये फंडा चलेगा। अब क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में से कॉमन ले, इसके अंदर लोगे तो क्या आएगा, अगर आप कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगा, कॉमन लिया भाई, यहाँ पे था नहीं तो 3 cos²x आएगा, यहाँ पे भी था नहीं तो -4 sin²x / cos²x आएगा। ये किस कब याद रखना है आपको, जब याद रखना है बेटा जब डिनोमिनेटर में डिग्री 2 की टर्म इन्वॉल्व है साइन और कॉस के साथ, डिग्री 2 की इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टेंट है और 4 sin² है, डिग्री 2, 1 - 3 cos²x है, डिग्री 2 है, ठीक है। या फिर आप एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी डिग्री 2 की टर्म इन्वॉल्व है और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, वो डिग्री 2 की टर्म सिर्फ साइन स्क्वायर, सिर्फ कॉस स्क्वायर, साइन कॉस का मल्टीप्लीकेशन या इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, आप कॉमन लो कॉस स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन कितना बचेगा, 1/cos² हो जाएगा, यहां कॉस स्क्वायर था नहीं और यहां 3। अब ये करने के बाद होगा क्या, तो भाई ये डिनोमिनेटर वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऊपर न्यूमरेटर जाके कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आपको बचेगा 3 sec² x,
माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। और फाइनली ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर एक्स, और नीचे sec स्क्वायर एक्स को क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं बताओ जरा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आगे आपका फेमस फॉर्मेट जो आपको पता होना चाहिए कि अब कैसे सॉल्व करना है। अब क्या करोगे यहाँ पे, टेन एक्स को क्या पुट करोगे, टी पुट करो या एम पुट करोगे, जो भी आप चाहते हो वो पुट करो। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम अपॉन में थ्री माइनस एम स्क्वायर आ गया फॉर्मूले के फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ये फंडा आ जाए हमेशा आ जाए। जैसे इस वाले में भी आप देखोगे तो ये sec स्क्वायर एक्स गया नीचे sec स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये sec स्क्वायर को मत छोड़ो ऊपर वाले को, नीचे कितना आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू आ जाएगा। हो गया आपका काम, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टू, टेन एक्स इज इक्वल टू है सब में, फिर फाइनली क्या पुट करेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम। तो भाई साहब आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी एम अपॉन में एम स्क्वायर माइनस टू, तो वन अपॉन में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ गया जो आपको फॉर्मूले से हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप कॉमन लोगे तो ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन में टू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर टेन एक्स को डी पुट कर दो, आपका काम खत्म। फंडा आया क्या समझ में, जब भी बहुत इजी फॉर्मेट, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट ही नहीं, आपको बस चमकना चाहिए, ये होगा अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे, और फिर सॉल्यूशन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, मतलब फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन प्लस थोड़ी मेमोरी का कॉम्बिनेशन कि अगर ये पैटर्न आ गया तो किस तरीके से इसको हैंडल करना। डिग्री टू होना चाहिए नीचे, तो ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं, इसके बाद आप फॉर्मूले करके रिप्लेस वापस कर सकते हो, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना हो जाएगा, यहाँ भी फॉर्मूला लगा देना हो जाएगा, यहाँ टेन एक्स को टी एम पुट करके परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मैंने जनरल केस लिखा है, ये जो लिखा है मैंने, ये जनरल केस मिला कि कभी ऐसे फॉर्मेट अगर आपको मिल रहा, कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ मिल गया या फिर इस टाइप का, तो यू कैन लिख टेक कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड देन रिप्लेस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ये एक नया क्वेश्चन है, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज में, रुक जाओ इसको भूल जाओ अगर आपने नहीं लिखा है, तो साइन स्क्वायर टू साइन एक्स कॉस, इसको मैं पूरे को नेक्स्ट पेज में करा देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में साइन टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
इंटीग्रेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा पैटर्न की, अभी आ गया क्वाड्रेटिक का पैटर्न राइट, जो क्वेश्चन मैंने वहां लिखा था पूरा सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से एक कॉस एक्स तो चला गया, एक कॉस नहीं था तो एक डिनोमिनेटर में आ गया, और यहां से तो पूरा कॉस था ही नहीं तो पूरा कॉस स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर। बस अब 10x को इनपुट कर दो, तो ये आ जाएगा डीएम बस। अब फॉर्मूला लग जाएगा, आई थिंक ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 × 1 ln ऑफ इंटू वन, एम को रिप्लेस कर देंगे 10x से, दैट इज योर फाइनल आंसर। जब भी क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व डिनोमिनेटर, तो अभी ये वाला पैटर्न क्लियर है आपको। एक और एग्जांपल ले लो, इसको कर लो इंटीग्रेट। एक और ले लो अगर प्रैक्टिस चाहिए।
एक बार क्लिक कर गया उसके बाद ये बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। हाँ बट वो चीजें याद होनी चाहिए जो पहले की हैं। तो यहां पे सिंपल कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, वन बाय कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन कॉस बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अलग तरीके से लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले तरीके से लिख दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस ये टू टेन एक्स आ जाएगा और ये प्लस वन आ जाएगा। फाइनली ये sec square x को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नीचे वाले को tan square x plus 1 लिख देना, तो tan square x plus 2 tan x plus 2 आ जाएगा। अब tan x को इनपुट कर देना, sec square x dx is equal to dm, dm divided by m square plus 2m plus 2, which is finally after making perfect square, one by a tan inverse x by a, यही होता ना भाई, और m की जगह आप tan x put करोगे। चलो बढ़ जाऊं आगे, एक नया पैटर्न लिखो। चलो नया पैटर्न लिख लो, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें एक लीनियर बन रहा है भैया साइन एक्स और कॉस एक्स। क्या बोल रहा है? लीनियर बन रहा है, बोले तो ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ये वाला फंडा है। तो आपको भाई साहब सबसे पहले यूज करना है फॉर्मूला जो कि होता है साइन एक्स का, वो जो कि होता है कॉस एक्स के लिए भी, मतलब बोले तो टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू टेन एक्स बाई टू
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स राइट, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय, बस आपका काम ही खत्म। इसके बाद आपको चमक जाएगा कन्नाक, जैसे कि यहां टू प्लस टू टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर, दो बार dx को लिखा है तो गलती से लिखा है। ठीक है, t की जगह मैंने 10x by 2 मान लिया है। ठीक है, t is 10x by 2, तो कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्मूले याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है। आप आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर चला जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे आ जाएगा टू इंटू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, और वन प्लस टी स्क्वायर तो आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा भाई, और नीचे टू टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मिलकर टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा प्लस टू टेन एक्स बाय टू हो जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा। अब तो आपको चमक ही गया होगा क्या करना। तो ये पैटर्न है, बट पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने थोड़ी सी करनी पैशन रखना हो जाता। इसमें 10 एक्स बाय टू आपको क्या पुट करना है, m पुट कर दो भाई, तो sec स्क्वायर एक्स बाय टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dm आ जाएगा। ये आ गया वही फॉर्मूला, वन अपॉन में ए टेन इनवर्स। तो अब इसके बाद तो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कौन से भी लग सकते हैं, जो आपके पास दो तीन फॉर्मूले हैं उनमें से कुछ भी लग सकता है। तो पैटर्न कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, आपको क्लिक करना चाहिए भाई, इजी वाले पैटर्न है ऐसे। जो मेन डिफिकल्टी आती है इंटीग्रेशन की वो सब्स्टिट्यूशन वाले में ही आती भाई, जो पहले अपन पे जिसमें मैनिपुलेशंस बहुत करने पड़ते हैं। ये तो आपको पैटर्न समझ में आया तो मैनिपुलेशन अपने आप होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ यहाँ पे रूट टू है, हाँ सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आने में आई टू कैल्सियम एलसीएम, वन प्लस टी स्क्वायर वुड बी अवर एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ ऊपर चला, और इसके बाद सिंपलीफाई।
हाँ ये 1/√2 है ना, वन बाय टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स की जगह एम प्लस वन, ए की जगह रूट टू, ये टू और ये रूट टू कैंसिल होके रूट टू, आपको देखो ना ये पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है ना तो आरडी शर्मा में उठाओगे ना हर पैटर्न के लिए एक एक एक्सरसाइज दे दी है उसने, मतलब ये जो दो पैटर्न आज किए हैं एक एक्सरसाइज दे दी है अभी जो किए हैं, हर पैटर्न पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी आप पलटोगे तो आरडी शर्मा, तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपका, थोड़ा सा टाइम इंटीग्रेशन को ज्यादा देना पड़ेगा आपको। सिर्फ सॉल्व ही करो बेटा, अनसॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप पैटर्न उठाते जाओ उसमें जो 20-25 एक्सरसाइजेस में उसमें एक एक्सरसाइज में ऐसा पैटर्न भी होगा जो अपन ने यहाँ पे ये वाला किया, ये पैटर्न भी आपको एक एक्सरसाइज में मिलेगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वो सारे पैटर्न जो हमने किए ना ये पैटर्न भी होगा, सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको वन बाय वन, थोड़ा आर्बिट ऑर्डर होगा, ऑर्डर डिफरेंट होगा बट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ पैटर्न वो पैटर्न वाइज आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी आपकी बट बनती है उतनी मेहनत करना आपकी। चलो बढ़ जाऊं आगे, अब एक पैटर्न जिसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, मतलब बोले तो लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर, लीनियर कॉस और साइन में न्यूमरेटर में, लीनियर साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में, बेटा HSC में इंडिविजुअल टाइप नहीं मिलेंगे आपको, वो पूरा हॉचपोच मिलेगा उसके अंदर, पूरा मिक्सअप मिलेगा HSC में, दिक्कत है HSC में वो प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने आपको HSC अलग हटा दिया, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आई आरडी कर लो उसके बाद फिर HSC की पूरी बुक आपसे आराम से हो जाएगी, आरडी भी मैंने क्या बोला आपको पूरी नहीं करने की जरूरत, आप ये पर्टिकुलर पैटर्न पे उठाओ 4-5 सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो होता जाएगा, मतलब थोड़ी अपनी स्मार्टनेस दिखा लो कैसे पढ़ो, हाँ ये सारी ट्रिक चलेगी, ये स्टैंडर्ड ट्रिक्स है बेटा, ये सब दूर चलेगी बिल्कुल, ये जो फंडा है ये फंडा बोलता है कि कभी भी एक जनरलाइज केस बता रहा हूं, कहीं कहीं बुक में इसको 2-3 तरीके से देके रखते हैं, बट मान लो आपको पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस आर मिला, मतलब लीनियर इन साइन एंड कॉस डिवाइडेड बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी मिला, इसको इंटीग्रेट करना, इसी का कुछ फॉर्मेट है बेटा, पी और क्यू की वैल्यू है, आर और सी की वैल्यू इसमें जीरो है, बट ठीक है ये फंडा सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस लेमडा म्यू डेल्टा ले, ये लिखना है आप, दैट इज द फंडा, ये हमेशा लिख पाओगे आप, किसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब तीन वेरिएबल है जैसा आपने पहले किया था ना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए, सेम फंडा, डेल्टा एक नंबर होगा जैसे लेमडा और म्यू होगा, लेमडा म्यू डेल्टा मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कैसे लेके आएंगे इस क्वेश्चन में
3 साइन एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर विच इज माइनस 3 साइन एक्स प्लस डेल्टा. हाँ, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया ना मैंने, किसका डिफरेंशिएशन किया? ये डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन प्लस डेल्टा. नहीं नहीं नहीं, यहाँ यही लिखा ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस अ कांस्टेंट डेल्टा. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बल क्या इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इस केस में तो डेल्टा जीरो ही आने वाला है. इसमें मुझे पक्का है डेल्टा जीरो आना है, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे ना कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं ना तो डेल्टा जीरो आता है. ये आप निकाल भी सकते हो, ये जनरलाइज केस है. अगर आर जीरो भी हुआ, पी भी जीरो हुआ, क्यू जीरो हुआ, ए जीरो हुआ, कुछ भी हो गया, ये फंडा हमेशा काम करे. अच्छा, मैंने बोला था अगर वही, आजकल कुछ कनेक्शन वीक हो गए, क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही. चलो, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू cos x के साथ में और sin x के साथ में क्या आ रहा है वो लिख देते हैं. ट्वाइस ऑफ लेमडा sin x का कोएफिशिएंट आएगा और माइनस 3 ऑफ म्यू cos x sin x का कोएफिशिएंट आएगा, राइट? और cos x का कोएफिशिएंट आएगा 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, cos x का कोएफिशिएंट आएगा प्लस डेल्टा. तो यहां से अब आपको ये तो चमक ही गया होगा भाई साहब, डेल्टा जीरो जाएगा. डेल्टा जीरो आएगा भी इस केस में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आएगा. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आप कंपैरिजन करोगे 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 3 साइन एक्स का कोएफिशिएंट साइन एक्स के साथ, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कॉस एक्स के साथ. आपको चमक ही गया होगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो. मैंने कुछ गलत लिख दिया कि म्यू टाइम्स ऑफ, नहीं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भाई देख, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और साइन एक्स का कॉस एक्स. ठीक है, बराबर है ना अभी? चलो चलो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो भाई. इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और दोनों को कर दो ऐड. व्हाट वी विल गेट इज, म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 9 13 लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस 6 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाय 13. और भाई साहब म्यू भी बता दो, म्यू कितना हो जाएगा जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बता दो, माइनस 5 बाय 13. चलो, ये जब आपने निकाल लिया लेमडा और म्यू की वैल्यू, आप लोगों ने क्या करी, निकाल दी. आपके पास लेमडा भी आ गया, आपके पास म्यू भी आ गया, और अब हमारा काम बहुत आसान हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर जो था ये वाला पूरा, इसको हम लेमडा म्यू के टर्म्स में लिख देते हैं. लेमडा की वैल्यू थी हमारे पास 12 बाय 13, तो आप लिखोगे 12 बाय 13 ऑफ द डिनोमिनेटर 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स. म्यू की वैल्यू है माइनस 5 बाय 13, तो माइनस 5 बाय 13 माइनस 3 साइन एक्स, ये आ जाएगा भाई. दिस इज द न्यूमरेटर, वी कैन राइट द न्यूमरेटर इन दिस फॉर्मेट विथ लैम्डा एंड म्यू. और डिनोमिनेटर में अब आपको पता है कि इंडिविजुअल डिवाइड कर दोगे आप, तो यहां तो ये पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा दोस्त. अब आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 12 बाय 13 का इंटीग्रेशन dx, क्योंकि यहां तो 1 ही बचा, माइनस 5 बाय 13 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 साइन एक्स
प्लस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय थ्री कॉस एक्स, और बताओ तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ये तो 12/13x आ गया आपके पास, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 3 cos x plus 2 sin x is equal to m. तो ये ऊपर वाला पूरा, ये dm, क्योंकि हमने कन्वर्ट ही इस तरीके से किया, वो मेथड ही इस तरीके से काम करती है. यहाँ पे देखो, माइनस 3 sin x plus 2 cos x खत्म. तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं माइनस 5/13 ln m लिख दूं, क्योंकि log ही 1/m का फॉर्मेट बचेगा. फाइनली आपका जो आंसर आएगा यहां से 12/13x माइनस 5/13 ln ऑफ मॉड ऑफ This is your final answer. आया क्या तुम्हें? तो थोड़ा सा लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड. अब बस आपको पैटर्न की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बेटा, ये थोड़ा सा जरूर आप याद रखना. नहीं भाई, क्लास अवर नहीं हुई अभी. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और पैटर्न कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ साइन sin x plus cos x d of x divided by
ये वाला पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा सोचना रहेगा आपको। ये कब आप अप्लाई करोगे, तो ये अप्लाई करोगे जब साइन टू एक्स ना डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो। एंड साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस या फिर माइनस कॉस एक्स न्यूमरेटर में इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस इक्वल टू एम पुट करके ट्राई करना पड़ेगा अपना। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे साइन टू एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके पास न्यूमरेटर में। अब जरा आप देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा। मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसका डिफरेंस, ये किसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है, ये किसका डिफरेंशिएशन, जो न्यूमरेटर है वो किसका डिफरेंशिएशन। तो आप देखोगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो ये आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहां से आया, ये आपको जज करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। वो आप थोड़ा सा निकाल सकते हो, कैसे, बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आप क्या करोगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आता है, वही यहाँ पे आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर को मतलब बोले तो सिर्फ न्यूमरेटर को इंटीग्रेट किया और इसको मैंने एम ले लिया। रीजन, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगा, d of x equal to d of m आता है। तो cos x plus sin x into dx जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था वो dm के बराबर हो गया, बट sin 2x का क्या करें, तो sin 2x करने के लिए इसको स्क्वायर करो। जब इसको स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x minus 2 sin x cos x इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर तो डीएम नीचे अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एम स्क्वायर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स एम बाई टू और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू। दैट इज योर आंसर। तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिक आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो जो स्टेप मैंने आपको बताई है। साइन एक्स और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट पर्टिकुलरली क्वेश्चन पे मैटर करेगा। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है तो साइन टू एक्स का कोएफिशिएंट अकॉर्डिंगली आएगा ताकि ये चीज मैनेज हो जाए। वो कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए कि ये फंडा काम करे।
है ना। देखो इंटीग्रेशन रिलेटिवली टफ है, ये आपको भी पता है, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, और अभी आगे और भी है, ऐसा नहीं है कि अभी हम खत्म, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, आधा ही हुआ, अभी तो पैटर्न और बाकी। और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी भी आती है, और इतनी आती है कि देयर आर फंक्शंस विच आर नॉट इंटीग्रेबल, तो उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, देयर आर द फंक्शन अवेलेबल। बट ऐसा जस्ट जब आप एग्जाम दोगे ना जेई मेंस वगैरह, तो आपको इतना टफ नहीं आएगा, आप डिफ्रेंशिएशन की भी हेल्प ले सकते हो, ऑप्शंस देख के भी हेल्प ले सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा होगा कि ये आया होगा, वैसे सब दिमाग लगा के आप कर सकते हो उसको, प्रैक्टिस का खेल है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे दो चीज नोट करना, पहली चीज आपको ये नोट करना है इस पैटर्न पे कि साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में हो, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स या प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे भी प्लस माइनस भले डाल तो चलेगा, डजंट मैटर, कुछ इस टाइप का ही आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कि जो डिनोम, देखो आपको ये पता होना चाहिए मैं साइन और कॉस का कोएफिशिएंट कुछ भी ले लू, साइन और कॉस का कोएफिशिएंट कुछ भी ले लू, प्लस वन ले लू, माइनस वन ले लू, क्या ले लू, प्लस और माइनस कहीं भी पुट कर दू, उसको स्क्वायर करूंगा तो साइन टू एक्स मेरे पास जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भले ही मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मैंने लिया था, मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेता तो भी साइन टू एक्स आता, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेता तो हर केस में वो क्या आता मेरे पास, साइन टू एक्स तो मेरे पास आ ही जाता, ऐसा कुछ एग्जैक्ट इस टाइप की रिलेशन आपके पास मिल जाती। अब बस आपको ये लेना है कि एम लेना क्या है, तो एम क्या लेना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका इंटीग्रेशन आप एम ले लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो इसीलिए मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एम ले लिया, अपने आप रास्ता निकल गया। हाँ यू कैन टेक इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज एम, राइट वही बोल रहा हूँ। चलो आई एम डन फॉर टुडे, जितना कवर करना था मैंने कर लिया है, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, जो पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आरडी शर्मा में से उसी पैटर्न के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्व एग्जांपल करना, अनसॉल्व मत करना, टाइम लगेगा उनको भी सॉल्व करने में, सिर्फ देखना मत, खुद से सॉल्व होना चाहिए, खुद के हाथ चलना चाहिए, विदाउट सीइंग इट यू कैन सॉल्व इट। ये तो अपन ने क्षितिज पूरी बात करी थी ना पहले, दूसरे लेक्चर में मैंने सब बताया था, आरडी शर्मा खोल के भी बताई, वॉल्यूम वन का लास्ट चैप्टर होगा, आरडी शर्मा रेफरेंस वाली लेना, जेई वाली मत उठाना, क्षितिज रेफरेंस वाली में डिटेल सॉल्यूशन और सब मिलेंगे, जेई वाली तो फिर आर्बिट चलेगी, आप कोई भी बुक उठाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन में पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, बट वो 50 क्वेश्चन से आपको सीखने को नहीं हो पाएगा। बोल बेटा। सर जो ऑनलाइन वो पीडीएफ भेजी थी ना गूगल ड्राइव वाली, वो उसमें अगर वो वायरस स्कैन वाला जो आता है ना, और उसके बाद वो ऑप्शन आता है कि वायरस स्कैन नहीं हो पाएगा तो फिर भी डाउनलोड कर सकते, तो वो ऑप्शन चूज कर सकते कि फिर भी डाउनलोड, नहीं नहीं करो डाउनलोड कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो शेयर बेटर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, 250 MB की है वो रोहन, उसको डाउनलोड कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, करो करो डाउनलोड, मैंने भी डाउनलोड करके रखी हुई है मेरे सिस्टम, और उसको करो क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम करेगा इंटीग्रेशन, मेरे साथ ही चलते जाओ उसको सॉल्व करते। ओके सर। बोलो बेटा। मैं नहीं सर, गलती से रेज हैंड किया, मैं हाथ नीचे करने, ठीक चलो देन आई एम डन।